दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत डायनेमिक्स के स्टॉक के बारे में। भारत डायनेमिक्स के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में तेजी देखने मिली। और अभी हमको जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपने इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी वन साइड मूवमेंट यहाँ पर देखने मिल सकती है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.75% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेजी आती है तो यहाँ से भी और तेजी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1788 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक है 1936, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 2000, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 2150, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन 2300, उसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 2400-2500 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ तो गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1662 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक है 1568, एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1475 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।